हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता क्या है? इट इज अ सिंपल टेस्ट। ये एक तरह का टेस्ट होता है विच इज यूज्ड टू चेक द हार्ट रिदम एंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हार्ट की रिदम और उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। बेसिकली इट क्विकली डिटेक्ट द हार्ट प्रॉब्लम्स एंड मॉनिटर द हार्ट्स हेल्थ। नाउ डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बेसिकली इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है सर्टेन स्पॉट्स के ऊपर, लाइक चेस्ट, आर्म्स एंड लेग्स के ऊपर। देन दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू एन ECG मशीन। ECG मशीन से इस इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग लेड वायर्स। नाउ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज मेजर्ड, इंटरप्रेटेड एंड प्रिंटेड आउट। हियर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी सेंड टू इनटू द बॉडी। इट इज वेरी सिंपल टेस्ट, सेफर टेस्ट। नाउ वी डिस्कस सम रीजंस फॉर डॉक्टर टू रिक्वेस्ट एन ECG। कब डॉक्टर जो है ECG रिकमेंड करता है पेशेंट के लिए? When to look for the cause of the chest pain. अगर किसी भी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, उस चेस्ट पेन के कॉज को पता लगाने के लिए ECG रिकमेंड की जाती है। देन इफ टू एवेल्युएट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हर्ट। अगर हर्ट में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट करने के लिए भी ECG रिक्वेस्ट की जाती है। इफ टू आइडेंटिफाई द इरेगुलर हर्ट बीट्स। अगर किसी भी पेशेंट में इरेगुलर हार्ट बीट्स हो रही हैं, देन ऑल्सो ECG इज रिकमेंडेड। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द हार्ट बिफोर सर्जरी। किसी भी सर्जरी से पहले पेशेंट को ECG रिकमेंड की जाती है सो दैट हमें पता चल जाए कि उस पेशेंट का हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं, नॉर्मल इम्पल्सिस जनरेट हो रही है या नहीं। एंड टू सी हाउ द इम्प्लांटेड पेस मेकर इज वर्किंग। पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर जो है एक छोटा सा डिवाइस होता है विच इज इम्प्लांटेड और प्लेस्ड इन द चेस्ट। पेशेंट की चेस्ट में प्लेस किया जाता है ये टू हेल्प कंट्रोल द हार्ट बीट, सो दैट टू स्टेबलाइज द एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। एबनॉर्मल जो हार्ट रिदम्स हो रही हैं किसी भी पेशेंट में, उस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए पेसमेकर जो है इम्प्लांट किया जाता है बॉडी में। तो ECG जो है इस इम्प्लांटेड पेसमेकर की वर्किंग को भी चेक करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टॉपिक। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।